आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। तेलंगाना के धर्मपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल के साथ दिखा कार्यकर्ताओं का हुजूम। महाराष्ट्र के मराठी और गैर मराठी मुस्लिम योद्धाओं के साथ ठाकरे के समावेशी हिंदुत्व को एमएमएसएस का समर्थन। केरल के कोट्टायम के निजी पिंक फॉर्म में मिले अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले, 19 सुअरों की मौत, बाकी को मार डाला। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर पीएम मोदी बोले, भ्रष्ट व्यक्ति संस्था को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आसनसोल में लगे शत्रुघ्न सिन्हा के लापता के पोस्टर, बीजेपी का तंज, बिहारी बाबू छठ पर भी गायब। प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना, का एक बेहतर राजनीतिक विकल्प चाहते हैं बिहार के लोग। यूएनएससी की बैठक में दूसरे दिन भी आतंक पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले ये मानवता का सबसे बड़ा खतरा। राम रहीम देने लगा बेटा होने का आशीर्वाद, सत्संग में पहुंचे इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर से बोला, सच्ची शिक्षा किताब का पन्ना सिमरन खोलो। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने की वरिष्ठ पत्रकार रमैया की तारीफ, बोले वह एक सच्चे पत्रकार हैं। पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए हर साल 108 मिलियन टन खाद्यान्न की जरूरत। टीम केसीआर के आरोपों के बाद तेलंगाना के बीजेपी प्रमुख ने गीले कपड़ों में ली शपथ, मांडवी संजय कुमार ने कहा, विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं था। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा, कहा ममता सरकार ने आरबीआई से मांगा 10,000 करोड़ का लोन। दिल्ली में इंडिगो प्लेन के इंजन में लगी आग, बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ करते समय उठी चिंगारियां, सभी 184 यात्री सुरक्षित। बिहार के औरंगाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 30 झुलसे, 10 गंभीर, छठ का प्रसाद बनाते समय लीक हुई गैस, 20 पड़ोसी और 7 पुलिसकर्मी भी घायल। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर एक और बाउंसर, महाविकास अघाड़ी के 25 नेताओं की सुरक्षा हटाई। खेती की जमीन पर चल रही थी असलहे की फैक्ट्री, आजमगढ़ में एसपी बोली स्पेशल टीम करेगी जांच, आरोपियों की संपत्ति होगी सीज। मेरठ में इंटरनेशनल गो तस्करों की संपत्ति जब्त, असम में एनकाउंटर में ढेर हुए थे बंजारा बंधु, बांग्लादेश तक करते थे गोवंश मीट सप्लाई। राहगीर को बाइक से टक्कर मार गिराया फिर पीटा, गाजियाबाद में हादसे के बाद सड़क पर गिरे शख्स पर बरसाए लात घूंसे। सहारनपुर में सोती पत्नी सास पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, 6 महीने पहले भागकर की थी शादी, बीवी को ले जाने सहारनपुर आया था।
चलती टेम्पो से छात्रा को फेंकने का वीडियो आया सामने, कान में बाली नोच कर धक्का दिया। बागपत में मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, दो साथी फरार, लूट की बाइक बरामद, पुलिस को ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। सिद्धार्थनगर में युवक की हत्या में पांच आरोपी गिरफ्तार, मूर्ति विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर मारा था चाकू, नेपाल भागने की फिराक में थे। एसआरएन में मारपीट का डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया, ब्रिजेश पाठक बोले दोषी डॉक्टर के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, प्रिंसिपल से भी मांगी रिपोर्ट। झांसी में सेंट जूड की पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा, चंगाई प्रार्थना सभा के माध्यम से बीमारों को आशीष दिया, देशभर से जुटे श्रद्धालु। ललितपुर में रेप पर झूठा मुकदमा लिखाने पर महिला पर केस, राजनामा में 13 लाख लिए 30 लाख दोबारा मांगा। चैंबर से लौट रहे वकील पर हमला, लखनऊ के गाजीपुर क्षेत्र में पहले चाकू से किया हमला, घर पर खड़ी गाड़ी तोड़ दी, एफआईआर दर्ज। आजम की सदस्यता जाने पर बोली जयंत विक्रम का क्या, मुजफ्फरनगर के भाजपा विधायक को हुई सजा पर रालोद मुखिया ने उठाया सवाल। हरदोई में शराब के सेल्समैन से 65,000 की लूट, विरोध पर मारपीट कर किया घायल, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर। फतेहपुर में 149 मदरसों में से 38 अवैध, 10 सदर में 19 तो बिंदकी में 16, डीएमओडब्ल्यू बोले मदरसों को कागजात न मिलने पर होगी कार्रवाई। बदायूं सड़क हादसे में डिप्टी सीवीओ की मौत, ड्यूटी करने के बाद टहल रहे थे अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, लखनऊ के रहने वाले थे। कुशीनगर में विधवा की हत्या का पर्दाफाश, प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के लिए महिला की हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। शामली में बीएसएफ जवान के बेटे की हत्या, घर के बाहर सीने में मारी गोली, दिल्ली में करता था सेना की भर्ती की तैयारी। गाजीपुर में डीएम ने देखी छठ पूजा की तैयारी, घाटों का निरीक्षण कर लिया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, अस्थाई चेकिंग रूम बनाने के निर्देश। सोनभद्र में डेंगू के 5 नए मरीज मिले, 142 पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या, केंद्र अधीक्षक बोले प्रभावित गांव में कराया जाएगा छिड़काव। आगरा में टैक्सी ने पीआरवी को मारी टक्कर, ड्राइवर और पुलिसकर्मियों के बीच हुई नोकझोंक, माफीनामे के बाद छोड़ा। शाहजहांपुर में निरीक्षण करने मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीएम, मरीजों का हालचाल जाना, ड्रग वेयर हाउस में खामियां मिलने पर लगाई फटकार। औरैया में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, पुलिस ने घोषित किया था 10,000 का इनाम, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कन्नौज में लाठी डंडों से मजदूर की पिटाई, मजदूरी का पैसा नहीं दिया, दबंग बोला गांव में बदनामी कर रहा है, फिर की धुन आई। प्रतापगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा बसपा पर कसा तंज, बोले बीजेपी गांव गांव लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है। सुल्तानपुर में दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, 3 युवक घायल, 2 को अंबेडकर नगर किया गया रेफर।
गोंडा में खुलेआम हो रहा है सट्टेबाजी। पुलिस बनी अनजान, दर्जनों की संख्या में झुंड बनाकर ताश के खेल में लग रहे सट्टे, वीडियो हुआ वायरल। रविवार को हमीरपुर दौरा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सूरजपुर वार्ड की गौशाला का करेंगे निरीक्षण। कानपुर में आरटीओ ऑफिस में जारी है वसूली का खेल, परिवहन कार्यालय में जमकर हो रही वसूली, आरटीओ में लेन देन का वीडियो वायरल। बिजली विभाग विकास नगर में फिल्म शोले के गब्बर सिंह ने मांगा डेडिकेशन रिपोर्ट, वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर में बदमाशों ने बीजेपी नगर अध्यक्ष के भाई को मारी गोली, चेन स्नेचिंग कर भाग रहे थे बाइक सवार। उत्तराखंड के सीएम धामी का ऐलान, यूपी की तरह हटाए जाएंगे गुलामी के प्रतीक, बदले जाएंगे ब्रिटिश कालीन नाम। उत्तराखंड माइनिंग व्यापारी मर्डर केस में बम्बिहा गैंग के चार शूटर पंजाब से गिरफ्तार, हथियार व गोला बारूद भी बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में पति ने दीपावली की रात जुए में हारे 1.5 लाख तो गिरवी रख दिए पत्नी के गहने, पत्नी ने की खुदकुशी। उत्तराखंड के खानपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर 22 नामजद समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में 18 और लोगों की डेंगू की पुष्टि, चिकुनगुनिया की जांच को भटक रहे मरीज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 150 नशीले इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार, 3 शहरों में घूमते फिरते बेचता था नशा। उत्तराखंड में 3 जिलों के डीएम बदले, वसंतरा रिसोर्ट प्रकरण व सिमरी बस दुर्घटना के बाद से उठ रही थी मांग। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, जल्द होगी स्टाफ नर्स के 2800 पदों की भर्ती। उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर ने 6 जिला अधिकारियों के लिए तय किए 5 टारगेट, 10 दिन में देनी होगी जानकारी। केदारनाथ धाम में हिमस्खलन पर समिति की सिफारिशों का परीक्षण करेगा शासन, अध्ययन के बाद लिया जाएगा निर्णय। नैनीताल में कार से बाइक टकराने पर हुआ विवाद, बीच बचाव में आई गुजरात के पर्यटकों से अभद्रता, चालक से मारपीट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की दी सौगात, चमोली उत्तरकाशी में वर्चुअल किया 4 मोटर पुलों का उद्घाटन। उत्तराखंड परिवहन विभाग और निगम में अच्छा काम करने वाले को मिलेगा इनाम, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। देहरादून में एसटीपी के स्लज और कंपोस्ट को खरीदेंगे पतंजलि, गुरुकुल कांगड़े 31 को हरिद्वार आएंगे जल शक्ति मंत्री। हरिद्वार में बिना पासपोर्ट वीजा रह रहे संदिग्ध आतंकी अली नूर की पत्नी हिरासत में, पुलिस कर सकती है कई खुलासे। दुनिया भर में ड्रोन से आतंकी हमले का खतरा, यूएनएससी में जयशंकर बोले आतंकियों ने इंटरनेट को बनाया हथियार।
दक्षिणी फिलीपींस में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन, अब तक 72 की मौत। ब्रिटेन को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे ऋषि सुनक, विदेशी सहायता को 2 साल तक फ्रीज करने की तैयारी। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में अंतिम संस्कार के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोग जख्मी, 1 गंभीर। अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की पति के सिर की हुई सर्जरी, हमलावर ने हथौड़ों से किया था वार। इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च, बोले नवाज की तरह मुल्क नहीं छोड़ूंगा, आईएसआई पोल खुल। ब्रिटेन में कोविड के 2 नए वेरिएंट एक्सबीबी और बीक्यू विलनेस मचा हड़कंप, 700 लोग हुए संक्रमित। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करेंगे जो बाइडेन, G20 समिट में मोदी भी होंगे शामिल। चीन के शंघाई में कोरोना के नए मामले से डरा चीन, 13 लाख लोगों की टेस्टिंग शुरू, लॉकडाउन का आदेश। यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा ने नई चाल चली, सरकारी ब्रांड की बिक्री से धन जुटाने की कवायद। ट्विटर से हटाए गए अधिकारियों पर खर्च होंगे 823 करोड़, पराग अग्रवाल को सीईओ पद छोड़ने के बाद मिल सकते हैं 412 करोड़। चीनी कंपनी शाओमी का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बंद, भारत में एमआई पे और एमआई क्रेडिट ऐप को प्ले स्टोर से हटाया। गेम्स क्राफ्ट को मिला 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस, कंपनी ने कहा हमारे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सिर्फ गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस नहीं। इंडोनेशिया में लगेगी भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर, नवंबर में मिलेंगे मोदी और सुनक। कर्ज एनपीए बने तो भी मूलधन और ब्याज की रिपोर्टिंग जरूरी, एनएफआरए ने जारी किया परिपत्र। सब्जियों के दामों ने रुलाए, टमाटर पहुंचा 80 रुपए प्रति किलो, आलू के दाम में और बढ़ोतरी की आशंका। ग्राहकों की प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर सेबी चीफ का बड़ा बयान, बोले तकनीकी के मामले में भारत सबसे बेहतर। एसेट का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ, सितंबर तिमाही में 90 अरब डॉलर पर पहुंचा राजस्व। दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड को अरबों का घाटा, निवेशकों को हुआ भारी नुकसान। इंटेल से बड़ी संख्या में होगी कर्मचारियों की छंटनी, $3 बिलियन की बचत का प्लान। बीसीसीआई के समान वेतन के फैसले पर सौरव गांगुली का रिएक्शन, बोले बीसीसीआई का शीर्ष परिषद की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया है। ऐतिहासिक जीत देख खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे थे पूर्व जिम्बाब्वे क्रिकेटर पॉमी एम्बोंगवा, बोले ये लाजवाब जीत है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं।
तुम्हारे जिम्बाब्वे के फैन ने उड़ाए मारो मुझे मारो मीम वाले शख्स का मजाक। मोमी ने उदास होकर कहते हैं हाँ मैं हार गया। जिम्बाब्वे से हार के बाद कप्तान बाबर आजम की सफाई, आसिफ की जगह वसीम को खिलाने का फैसले को बताया सही। वीडियो ने खोला राज, पूरी तरह फिट नहीं हुए शाहीन, आखिर गेंद पर रन ही नहीं दौड़ पा रहे थे पाक गेंदबाज। एशिया कप से किंग कोहली का पुनः जन्म, 12 मैच में 78.28 के औसत से 548 रन बनाए, सूर्या की चमक भी फीकी। जिम्बाब्वे से मिली हार से तिलमिलाई वसीम अकरम, बाबर आजम को लगाई फटकार का, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हार से निराश घुटनों के बल पवेलियन पर बैठकर रोया पाकिस्तान स्टार शादाब खान, फैन ने कैमरे में कैद किया वीडियो। पाकिस्तान टीम सिलेक्शन पर बोले सुनील गावस्कर, उनके पास हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर लेकिन उन्होंने उसे भारत के खिलाफ नहीं खिलाया। रिटायरमेंट के बाद लाइव मैच जरूर देखूंगा, भारत पाकिस्तान मैच पर एरोन फिंच का बयान। पहली अकेली फिल्म बुधिया का ट्रेलर रिलीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर बनी है फिल्म, मूल रूप से विंध्य में बोली जाती है बघेली। विराट कोहली के दीवाने हुए वरुण पैपरौजी के सामने का, उनके बारे में क्या कहूं वो तो भगवान है। थाई मसाज का ट्रेलर हुआ रिलीज, 70 की उम्र में थाईलैंड जाने वाले बुजुर्ग बने गजराज राव, हंसी मजाक में फिल्म देगी सोशल मैसेज। मां बनने के बाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सोनम कपूर, ऑल ब्लैक लुक में दिखा स्वैग, वीडियो देख फैंस ने लुटाया प्यार। भेड़िए का पहला गाना ठुमकेश्वरी रिलीज, थिरकते नजर आए वरुण और कृति, देश की पहली क्रिएचर कॉमेडी फिल्म है भेड़िया। कांतारा ने केजीएफ 1 को पीछे छोड़ा, पार किया 250 करोड़ का आंकड़ा, कन्नड़ इंडस्ट्री की दूसरे सबसे बड़ी फिल्म बनी। ब्लू साड़ी में स्टनिंग दिखे कृति सनैन, सॉन्ग लॉन्च इवेंट में वरुण धवन के साथ ठुमकेश्वरी गाने पर किया जमकर डांस। बरसात की वजह से थमी डंकी की शूटिंग, नवंबर के मिड से सऊदी अरब में शूट करेंगे शाहरुख खान। सस्पेंस से भरा फ्रेडी का पहला पोस्टर रिलीज, खून से सने हाथों में बत्तीसी पकड़े दिखे कार्तिक, पोस्टर देकर फैंस सोचने पर मजबूर। ब्रह्मास्त्र 2 में यश की एंट्री पर करण जौहर का रिएक्शन, बोली ये सब बकवास है, हमने किसी को अप्रोच नहीं किया है। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।